आज मुख्य रूप से कल जो विधानसभा में सरकार के द्वारा स्थानीय नीति और आरक्षण को लेकर के जो विधेयक पारित किया गया, एक तो कहें कि संसदीय परंपरा के मुताबिक सदन में जो विषय रखता है उस पर चर्चा की जाती है। ये पहली बार है कि परंपरा से हट करके विषयों को रखा गया, पास कर दिया गया, बहस नहीं की गई। दूसरा, लोगों को ये बताया जा रहा है कि 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीतियां बन गई, लेकिन अभी तो गोल नहीं हुआ है, खेल अभी शुरू हुआ है। राज्य सरकार के अधिकार के अंतर्गत ही राज्य में रहने वाले लोगों के लिए स्थानीय नीति बनाना उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आरक्षण के संदर्भ में निर्णय लेने का अधिकार राज्य सरकार को है, लेकिन राज्य सरकार ने जिस तरह से बॉल को केंद्र की ओर ठेला है, ये लगता है अभी खेल चल रहा है, एक तरह से राजनीतिक स्टंट हो रहा है, अभी गोल नहीं हो पाया। जब गोल होगा तभी कहेंगे कि कौन टीम जीता या झारखंडी लोग जीते कि नहीं जीते। दूसरी बात, स्थानीय के मुद्दे पे लास्ट में ही सही उन लोगों ने नियोजन को आधार बनाया कि उसको जोड़ते हैं नियोजन को लेकर, लेकिन जब तक यह नवीं सूची में नहीं जुटता है तब तक क्या राज्य में हो रहे नियुक्ति होगी कि नहीं होगी, ये स्पष्ट होना चाहिए। नहीं तो ऐसा होगा जैसे लगता है कि इंश्योरेंस में लोग जमा करते हैं ना, मरने के बाद उसको पैसा मिलेगा, उस तरह का ना हो जाए। क्योंकि अभी 10,000 इतने हजार नियुक्तियां की जाएंगी तो किस नीति के तहत किया जाए ये स्पष्ट नहीं है। सरकार ने भारी कमिटमेंट के साथ जनता के भावनाओं को उभारा है, विश्वास दिलाया है, हमने स्थानीय नीति बनाई है, लेकिन इधर से रोजगार के लिए भी आप निकाल रहे हैं कि हम इतना बहाली करेंगे, तो किस नीति के तहत, किस स्थानीय नीति के तहत और किस नियोजन नीति के तहत आप इसको करेंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। जो नहीं है तो हमको लगता है कहीं ना कहीं ये जनता को एक तरह से भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। जहाँ तक आरक्षण का सवाल है, राज्य में 77% आरक्षण मैंने सीट को आरक्षित किया गया, उसमें 27% पिछड़ों को, 28% ST को और 12% SC को। दूसरी तरफ राज्य सरकार पंचायत के चुनाव में पिछड़ों को शून्य कर दिया, नगर निकाय के चुनाव में आरक्षण जो था उसको भी शून्य कर दिया। आखिर राज्य सरकार के नियत पर ही प्रश्न खड़ा होता है कि एक तरफ आप कह रहे हैं हम 27% आरक्षण देंगे, लगता है कि जरूर पिछड़ों के साथ आप हमदर्दी रखते हैं, लेकिन जहां चुनाव हो रहा है, जहां सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप ट्रिपल टेस्ट करा लो उसके बाद ही नगर निकाय के चुनाव कराओ, लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का भी को दरकिनार करते हुए नगर निकाय चुनाव में भी पिछड़ों को के आरक्षण को शून्य कर देते, तो कहीं ना कहीं इसमें भी लगता है कि राज्य सरकार का मंशा साफ नहीं है। तो दो विधेयक जो कल पारित हुए हैं, दोनों विधेयक अभी झारखंड के जनता के ने जितना विश्वास व्यक्त किया है उतना विश्वास करने लायक नहीं है। हमको लगता है कि जब ये गोल होगा तभी पता लगेगा कि स्थानीय नीति बना, उससे पहले एक तरह से भ्रमित करने वाली बात ही होगी। पार्टी ने 15 नवंबर बिरसा जयंती के अवसर पर
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के सभी प्रखंडों में बिरसा जयंती मनाने का निर्णय लिया है और प्रखंड वाइज हम इन तमाम विषयों को जनता के बीच रखेंगे कि भाई सरकार अपने के कार्यशैली को आप जनता के बीच ले जाएंगे। 17 तारीख को पार्टी ने पूरे प्रदेश पे के स्तर पर व्यापक आंदोलन करने का निर्णय लिया है, खासकर नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को शून्य करने के साथ साथ इन तमाम विषयों को भी हम उस पर समाहित करेंगे, जिसमें झारखंड के संसाधनों की लूट, झारखंड आंदोलनकारियों का सम्मान, क्योंकि अभी तक रोज देखते हैं झारखंड आंदोलनकारी कभी धरना में बैठ रहे हैं तो कहीं अलग अलग जगहों पर बैठ रहे हैं। झारखंड बने इतना दिन होने के बावजूद हम उन आंदोलनकारियों को जिनके त्याग, बलिदान, जेल, लाठी खाने के बाद ये राज बना है उसको हम सम्मान नहीं कर पाए हैं। सरना कोर्ट को जिस तरह से अभी अभी वाला विधेयक पारित किया, सरना कोर्ट का भी विधेयक पारित हुआ, आज वो विधेयक भी लटका हुआ है, तो इसको भी लेकर के हम लोग स्पष्ट रूप से जनता के बीच जाएंगे और हम लोगों का ये मानना है कि राज्य में आरक्षण सुनिश्चित करने से पहले राज्य में जातीय जनगणना होनी चाहिए। हम धन्यवाद तो जरूर देंगे कि हेमंत जी पहल किए, हल तो नहीं किए, जबकि जनता ने जनादेश दिया था कि ये हल करेंगे, लेकिन ये सिर्फ पहल ही कर पाए और हल के लिए दूसरे के पास छोड़ दिए। धन्यवाद। दादा, तो आप जो कह रहे हैं कि क्या जब तक ये नियोजन नीति नहीं लागू होता तब तक होगा कि राज्य में नहीं नियोजन, आंसू का क्या मानना है कि नियोजन हो कि अभी रुक जाए? ये तो राज्य सरकार को तय करना है कि वो अपने बात अपने कमिटमेंट पे खरा कैसे उतरता है। हमारा तो ये का नियोजन होना चाहिए, लेकिन जो कमिटमेंट है उसके आधार पर होना चाहिए। स्थानीय को नौकरी मिलनी चाहिए और थर्ड फोर्थ ग्रेड में भी झाड़ू मारने में भी यहाँ के लोगों को हक नहीं मिलेगा, ये तो दुर्भाग्य होगा ना। तो सरकार को तो तय करना उनको गए। जेएमएम तो ये मान के चल रही है कि भाई बाबूलाल का 32 और जेएमएम के 32 में यही अंतर है कि ये कवच पहनाया गया है नौवीं अनुसूची का, कर रहे अब आंसू और बीजेपी को क्लियर करना है कि लोग होने देंगे कि नहीं, कि कवच तोड़ेंगे। ये राजनीति के स्टंट की तरह लगता है और हम तो कहेंगे झारखंड की जनता बहुत उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ भारी जनादेश दिया है तो हल करना चाहिए था, ये सिर्फ पहल करके बातों को छेड़ रहे। आंसू मैदान में कैसे खेलेगी, डिफेंडर के तरह, मिडफील्डर की तरह, या फिर आक्रामक से गोलकीपर की ही तरह दिखेगी? नहीं, हम लोग तो आक्रमक एकदम सीधा जनता को गोलबंद करते हुए संघर्ष के रास्ते पे जाएंगे। दोनों विधेयक पास होने के बाद मुख्यमंत्री निकले और कहा कि अगली बार 75 बार। आंसू कहाँ देख रही है, 75 के बाद कितना आंसू? उससे पहले वाले लोग भी ऐसे ही कहते थे, अबरी बार इतना पार, तो भाई मुंह में बोलने में तो किसी को कुछ खर्चा होता नहीं है, आगे क्या होगा वो भविष्य दिखाएगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि सबको तो लोग देख चुका है, इनको बहुत उम्मीद के साथ ये किया, लेकिन इस तरह से भरम जाल में फंसाने से कहीं ना कहीं ये खुद फंस ना जाए, ये कल के दिन देखिएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।